अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं कुतुब मीनार में। तो गाइस आज मैं आया कुतुब मीनार पे, तो आज कुतुब मीनार में विजिट कराता हूँ, क्या क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करें। वीडियो करते हैं आज की शुरू, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो गाइस जहाँ मिल रहा है कुतुब मीनार का टिकट, रश देख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ से एंट्री होगी कुतुब मीनार के अंदर, चलते अंदर वहाँ लगी मशीनें। तो गाइस सब एंट्री हो चुकी है ग्राउंड के अंदर। तो गाइस ये है मस्जिद, इसके अंदर भी चलेंगे और इसके अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ तख्ती लगी है और इधर है ही कुतुब मीनार, इधर चलते हैं। तो गाइस ये रहा कुतुब मीनार, इधर से एंट्री होगी इधर जाने के लिए, चलते हैं इधर, इधर से देखते हैं। भाई फ्लाइट जा रही है। भाई साहब कुतुब मीनार में एंट्री हो चुकी है हमारी और अभी कुतुब मीनार की तरफ जा रहे हैं हम दोनों। तो ये देख सकते हो आप लोग, आज का मौसम भी काफ़ी गजब हो रहा, बादल ठंडा मौसम है। तो भाई साहब देख सकते हो कुतुब मीनार क्या हाइट है इसकी, और यहाँ रश देख सकते हो आप लोग। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर एंट्री करता हूँ मैं, जाके देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। काफ़ी बड़ा मैदान है, काफ़ी बड़ी जगह है, ये देख सकते हो आप लोग। मीनार के अंदर ही कुछ ऐसा है, ये देखो क्या व्यू है, और काफ़ी हरा भरा मौसम हो रहा है। गाइस यहाँ है मकबरा, ये सामने कब्र है और ये दो कब्रें ये हैं, और ये आरिफ भाई है। व्यू देख सकते हो काफ़ी मस्त लोकेशन है एकदम। और ये रहा कुतुब मीनार, उस ज़माने का बुर्ज खलीफा पहले ये था। तो गाइस ये है कब्र, यहाँ पे मकबरा यही है। सो गाइस जो अभी मकबरा दिखाया था वो इमाम जामीन का मकबरा 1994 हिजरी 1537 को बनाया गया था। ये देख सकते हो आप लोग काफ़ी खूबसूरत व्यू, यही मकबरा इमाम जामी का जो लिखा हुआ है तख्ती पे। तो भाई साहब यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू आ रहा है यहाँ का। और यहीं पे फना फिल्म में गाने की शूटिंग हुई थी। ये रहा कुतुब मीनार और अभी हम उस साइड थे, यह गाना शूट हो चुका है। भाई साहब भी चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर से पहाड़ साइड, आ जाओ बाहर इस पर। और ये व्यू देख सकते हो आप लोग कुतुब मीनार साइड का, काफ़ी गजब व्यू आ रहा है। और ये रहा साइड से कुतुब मीनार, और अभी चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं। सो गाइस ये है कुतुब मीनार, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। आरिफ भाई चलो इधर की ओर चलो। ये पुल पार कर रहे हैं काफी शिद्दत से, बैक साइड मजबूत है, इस टाइम जिम चल रही है दबा के। तो कैसा महसूस हो रहा है भाई, क्या पता चल रही है यहाँ के, जोर से बोलो।
आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। व्यू देख सकते हो आप लोग, मजा आ रही है, क्वालिटी देख सकते हो एकदम, सभी चीज मस्त बनी हुई है। ये रहा कुतुब मीनार माशाल्लाह, और ये है नहर यहाँ पे कुतुब मीनार के पास, इसमें लाइट वाइट लगी हुई। तो भाई साहब इधर चलते हैं, इधर का व्यू एकदम मस्त है, गार्डन कितना खूबसूरत बना हुआ है, और ये है नीम का पेड़। इसके अंदर भी चल के देखते हैं भाई, गली है ये तो, गली बनी हुई है। यहाँ का ये कुछ व्यू है भाई साहब अंदर का, अंदर का भी देख सकते हो आप लोग, अंदर क्या क्या है, अंदर कुछ नहीं होगी, खुली छत भाई। यहाँ कुछ गार्डन बना हुआ पीछे, और ये पीछे की साइड है, काय का पेड़ है, ये सूखा पेड़ है यार, ये तो पीपल का पेड़ है। तो भाई साहब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं, इधर का एरिया विजिट करते हैं, खूबसूरत व्यू एकदम। तो गाइस कुतुब मीनार बनाने का रीज़न ये था कि इससे रुख देखा जाता था काबे का, तो ये काबे का रुख की वजह से मीनार बनाया गया था, इसकी वजह से देख के नमाज पढ़ी जाती थी, तो मेरे ख्याल से ये रीज़न हो सकता है कुतुब मीनार बनाने का। भाई साहब भी देख सकते हो आपको, यहाँ कुछ काम चल रही है, काफ़ी बड़ा एरिया है कुल मिला के। इधर चलते हैं, इधर भी मकबरा बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये भी, एक मकबरा और है अभी, इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मौजूद है यहाँ पे। ये बनी है तुरुपत, अरे इसके नीचे सीढ़ी है, ये जा रही है अंदर, कब्र आ रही है गुफा में। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, इधर का कुछ ये व्यू है भाई साहब, ये भी काफी मस्त है, और यारी भाई बेटे छाई में। सब अब हम इधर आ चुके हैं, एक नीम का पेड़ यहाँ पे भी है कुतुब मीनार के साइड में, और अभी उस मकबरे में गए थे, और अभी चलते हैं इधर, इधर भी कुछ बना हुआ है भाई, क्या क्या बना रखा है यहाँ पे। एक कब्र ये दिखाई दे रही है, और ये क्या कुआ है क्या, इसके पास चलते हैं, इस पर चढ़ के दिखाता हूँ क्या है ये। सो गाइस ये है कुआ यहाँ पे शायद, और ये क्या बना हुआ यार, ये बड़ा खतरनाक लग रही है। आओ इधर चलते हैं, पूरा रिव्यू करेंगे आज इसका। ये तख्ती लगी हुई है, कुआ वेल कुआ, क्या हुआ, काफी मस्त व्यू है भाई साहब, क्या जगह है, एकदम बढ़िया जगह। और अभी चलते हैं उधर, भाई रोड देख सकते हो क्या गेटली बना रखी जाने के लिए। भाई साहब ये क्या बना रखा है, पहाड़ की तरह काफी पत्थर लगे हैं यहाँ पे, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ तख्ती लगी है अलाई मीनार 131 1311,
काफ़ी बड़ा बना हुआ पहाड़ हो रहा है पूरा ही पहाड़ टाइप। पूरा टॉम बना रखा पहाड़ टाइप का। यहाँ पे भी कब्रें बनी है, साफ सफाई का काम चल रहा है। अरे उधर देख सकते हो आप लोग, प्रपोज करा जा रही है, फूल दिया जा रही है। हाँ जी कर दो कोई प्रपोज। इधर चलता हूँ लेकर आप लोगों को, इधर भी कुछ है देखने के लायक चीज़ है। तो भाई साहब काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। सो गाइस यहाँ शौचालय है, यहाँ आप जा सकते हैं ज़रूरत पड़े तो।